लालू नीतीश की जोड़ी जब आई तो आप देख रहे हैं कि देश में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगा तो लालू यादव का नहीं रहना ये तो असंभव है ना। लालू यादव रहेंगे, कार्यक्रमों का बाढ़ हो रहा है, लेकिन ये सवाल है कि लोगों को उल्लास हो रहा है। लालू यादव ने यही कहा है, गरीबों की लड़ाई समित ढंग से लड़ो और ऐसे जो लोग पाखंडी लोग हैं ऐसी सरकार को परास्त करने का। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं। किस तरीके से देखते हैं मंत्री जी का जो लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन है, कैसे हम सब के लिए खुशी का वातावरण है जी। हमारे नेता अस्वस्थता से स्वस्थ होकर के अपने 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हम सब लोग पूरे देश के गरीब गुरबा आज जितना उल्लास है वो शायद ही किसी और दिन उदास होगा, क्योंकि देश की जनता आज मरमाहत है, परेशान है। जब लालू यादव की वैचारिकता, लालू यादव का जो चेहरा सामने आता है तो लड़ाई लड़ने के लिए और मजबूती मिलती है और जो देश में जिस तरह की सरकार है उस सरकार को परास्त करना, क्योंकि भय भूख भ्रष्टाचार इस सारे माहौल केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने किया है, उसे लड़ने के लिए लालू यादव की आशीर्वाद, लालू यादव का नेतृत्व आज सबसे अहम सवाल है। नया जीवन दान मिला लालू यादव को, उसके बाद आज पटना में है, किस तरीके से मना रहे हैं उनके जन्मदिन को? देखिए, पूरे देश में जन्मदिन मनाया जा रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, सब जगह से रिपोर्ट आ रहा है। पटना के तो हर एक जिले में गरीबों का भोजन, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, रक्तदान के किसी भी, हर लोग अपने स्तर से जो जो कार्यक्रम कर रहे हैं जी। हर जगह कार्यक्रमों का बाढ़ हो रहा है, लेकिन ये सवाल है कि लोगों को उल्लास हो रहा है। लालू यादव ने यही कहा है, गरीबों की लड़ाई समित ढंग से लड़ो और ऐसे जो लोग पाखंडी लोग हैं ऐसी सरकार को परास्त करने का काम करो। एक आखिरी सवाल रहेगा, आने वाले जो बैठक है 23 जून को, उसमें लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति रहेगी या नहीं रहेगी और किस तरीके से? निश्चित रहेगी, वो नेता है, हमारे राष्ट्र के नेता है और उन्हीं की पहल रही है, नीतीश कुमार की पहल रही है। लालू नीतीश की जोड़ी जब आई तो आप देख रहे हैं कि देश में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगा तो लालू यादव का नहीं रहना ये तो असंभव है ना। लालू यादव रहेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री श्याम रजक जी। आज लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और जिस तरीके से पूरे श्याम रजक ने जिस तरीके से कहा कि पूरे देश भर में लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन है वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम देखिए राजद कार्यालय के पास ठीक मौजूद है, यहाँ पर कई सारे पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएँ दी जा रही है। अनेकों उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने पोस्टर के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। ठीक आप यहां भी देख सकते हैं किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है जिसमें उनको जो है जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां दी जा रही है। और आपको हम राजद कार्यालय के अंदर भी लेके जाते हैं, उनके अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं किस तरीके से जो राजद कार्यालय है पूरा रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। फिलहाल अभी दिन है लेकिन जो लाइटों का नज़ारा है वो रात में देखने वाला होगा। और लालू प्रसाद यादव को जो है एक नया जीवन दान मिला है, रोहिणी आचार्य जो उनकी बेटी है उन्होंने किडनी अपना जो है वो दिया और लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में जो है सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद वो दिल्ली में कुछ दिनों आराम किए और अब बिहार में पटना में है और आने वाले 23 जून को बैठक भी है, विपक्ष की बैठक है। उस विपक्ष की बैठक में लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति को भी काफ़ी जो है वो मजबूत ढंग से देखा जा रहा है, क्योंकि श्याम रजक ने जिस तरीके से कहा कि लालू प्रसाद यादव की उपस्थिति तो बिल्कुल होनी चाहिए। अभी देश में जो लोकतंत्र पे जो खतरा है, केंद्र में मोदी की सरकार है, उसे हटाने में लगातार ये विपक्षी दल जो हैं एक साथ आ रहे हैं और आज कई सारे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ढंग से जो लालू प्रसाद यादव का है वो जन्मदिन मनाया जा रहा है। साफ तौर से पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि देश भर में, सिर्फ बिहार ही नहीं, सिर्फ पटना ही नहीं, देश भर में उनके जो जन्मदिन है उसकी खुशियां हैं, मिठाई लोग बांट रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव के पास कई सारे जो उनके नेता हैं, समर्थक हैं, उनके चाहने वाले एक एक करके 10 सितंबर रावड़ी आवास पर पहुँच रहे हैं ताकि उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ दी जा सके। तो आपने देखा किस तरीके से श्याम रजक ने तमाम बातों को रखा और काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों के साथ नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।